अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आयशा सैर। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबके दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक है। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे टी स्नैक्स की रेसिपी कह लें या इवनिंग स्नैक्स, आप चाय के साथ ले सकते हैं। और सबसे पहले हमने लिए हैं ब्रेड के 4 टुकड़े, उसके बाद 3 टेबल स्पून हमने लिए तिल, और उसके बाद हमने अभी आपको एक अंडा नज़र आ रहा है लेकिन डाले 2 तीन के एक कम था, और उसके बाद ऑयल और 1 टेबल स्पून हमने इसमें चीनी डाली थी पीसी हुई। तो उसके लिए सबसे पहले हमने लिए ब्रेड के टुकड़े, उनको हमने काट लिए, और फिर उसके बाद हमने सब चीज़ों को मिक्स किया। सबसे पहले हमने एक बर्तन में अंडों को तोड़ा है, उनको अच्छे से मिक्स किया, फिर उसके बाद हमने 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाल के, और फिर उसके बाद हमने 3 टेबल स्पून इसमें तेल डाल दिए जो हमने बताए थे सफ़ेद वाले, और फिर उसके बाद हमने उसमें पीसी हुई 1 टेबल स्पून जो थी वो चीनी का हमने इसमें ऐड किया। आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमने कहा कि जल्दी से मिक्स हो जाएंगे क्योंकि इसको बनाने में तकरीबन, अगर आप चाय बनाए तो साथ ही इसको बना सकते हैं 10 से 15 मिनट, 15 मिनट भी बहुत ज़्यादा है, 10 मिनट बन सकते हैं। और आप इनको बेक करना चाहें तो बेक कर सकते हैं, हमने तो बेक नहीं किया, हमने इसे इवन फ्राई किया क्योंकि हमें बेकिंग भी थोड़ी ज़्यादा ही मुश्किल लगती है, हमें उन चीज़ों से थोड़ा डर लगता है, तो इसलिए हम ना फ्राई करना ही ज़्यादा ठीक समझते हैं। खैर, इन सबको फिर हमने बहुत अच्छे से मिक्स किया, और हमें पहले एक अंडा डाला था वो कम था हमें लग रहा था, फिर हमने एक और डाल के उसको मिक्स किया, क्योंकि फिर अगर सारा हम कर लेते रह जाते फिर हमें डालना पड़ता, तो हमने कहा पहले से ही आपको बता देते हैं कि 4 ब्रेड के पीसेस के लिए 2 अंडे और जितनी चीज़ें चाहिए होंगी। उसके बाद हमने इसको ऑयल और घी में हम फ्राई करते हैं, आप जिस चीज़ में चाय कर सकते हैं। तो हमने ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म किया है, और उसके बाद फिर हमने इनको फ्राई किया। जब आप इसको फ्राई करने लगे तो आपने कभी भी ना उस बर्तन में ब्रेड के पीस को नहीं डालना, क्योंकि ये टूट जाएंगे फ़ौरन से, बस आपने डालना है और फिर निकाल कर फ्राई कर लेना। तो हमने ऐसे किया था कि डाल के इनको 1 मिनट के लिए छोड़ा, जितने में ऑयल गर्म हुआ और फिर उसमें ना 2-3 जो पीस थे हमने डाले थे वो टूट गए थे, तो इसलिए हम पहले से, आपने ऐसा नहीं करना, बस आपने इन डाल के और निकाल के फिर फ़ौरन से फ्राई करना, और ये बहुत अच्छे बने थे। और हमारे घर में तो भाई हमारी जो आप ही हैं आया दिन उनका हमसे मूड जो है थोड़ा ख़राब हो जाता है, हमारी छोटी बहुत गलतियाँ जो हम करते हैं, तो इसलिए ना हमने फिर हाथ सोचा कि उनके लिए बनाते हैं, और ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। और आपको पता है गर्मी बहुत शदीद हो रही है इस टाइम, और हमारे अटक भी तो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम ना वही रेसिपी बनाते हैं जिसमें कम टाइम हो और फौरन से, बस अगर हम चाय के लिए कुछ भी साथ बना रहे हैं तो हम कहते हैं बस फौरन से बनाएं और उनको पेश करें ताकि वो जल्दी से मान जाए। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, आपने ज़रूर ट्राई करनी है, और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।